आज हम बात करेंगे कैसे आप बना सकते हो अपना खुद का इलेक्ट्रिक गिटार। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं दो प्लगइन जो कि टोटली फ्री है, वाइटल और गिटार रिग। फटाफट स्टार्ट करते हैं, फिर वाइटल सर्च करते हैं। तो एक बार वाइटल के अंदर हमारी मेलोडी को सुनकर देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑसिलेटर वन में जाना है और बेसिक शेप चूज करनी है। यार एडवांस नहीं बताता तो कुछ भी बेसिक करता रहता हूं, क्योंकि बेसिक इसकी बार बार झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। तो बेसिक शेप को चूज करने के बाद हम सॉ टूथ शेप को यूज कर लेंगे और उसके बाद हमें ऑसिलेटर टू में भी सेम ही शेप को चूज करनी है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, अपने ऑसिलेटर वन को टू से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करेंगे। और अगर आपको ये चीज नहीं पता तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो उसके लिए हम ऑसिलेटर टू पे जाएंगे, उसका लेवल बंद कर देंगे क्योंकि हमें ऑसिलेटर टू को नहीं सुनना है, और ऑसिलेटर वन पर जाएंगे और यहाँ से हम चूज कर देंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हो जा टू से। बहुत और सी साउंड आ रही है तो हम अमाउंट को कम कर देंगे और फिर हम एनवेलप वन के अंदर थोड़ी सी सेटिंग को चेंज करेंगे। हमारे सस्टेन को कर देंगे हम जीरो और डीके टाइम को कर देंगे हम कहीं ना कहीं 0.7। और उसके बाद हम ऑन करेंगे हमारे नॉइस ऑसिलेटर को। और अभी इजी के लिए मैं ऑसिलेटर टू और वन को ऑफ कर देता हूँ और एक बार साउंड को प्ले करते हैं। कैसा लग रहा है गिटार? बढ़िया है, बस मेरा तो हो गया, मैं तो जा रहा हूँ। चलो बाय बाय। नॉइस के अंदर हम यहाँ पर चेंज कर देंगे हमारी नॉइस को और यहाँ पे सर्च करते हैं रिवर। रिवर है तेरे घर के पास? नहीं भाई, मेरे वो उसमें होती थी, ड्राइंग बनाता था ना जब मैं, तो ऐसे पहले माउंटेन बनाता था, फिर एक हट लगाता था और फिर रिवर जाती थी घर में। तो ऐसी कोई साउंड आ रही होगी रिवर से। और हम क्या करते हैं, हमारे फिल्टर टू को कनेक्ट करते हैं इस नॉइस से। फिल्टर टू को ऑन करेंगे, ऑसिलेटर टू से कनेक्टेड है, डिटैच करेंगे, नॉइस से कनेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर जाएंगे। फिल्टर के अंदर हम चूज करेंगे कॉम फिल्टर और यहाँ पर हम चूज करेंगे लो हाई कॉम। यहाँ से रेजोनेंसेस को हल्का से इंक्रीज करते हैं, मैक्स कर देते हैं थोड़ा उससे कम। आप सुनोगे सेम ही पिच बज रही है, तो उसमें की ट्रैकिंग ऑन करते हैं, फुल कर देते हैं उसको। और अब हम हमारे एनवेलप टू को यूज करते हैं और इस साउंड को शेप कर देते हैं। एनवेलप टू को डालते हैं लेवल पर, इसके लेवल को करते हैं जीरो। सस्टेन को आप देखो और डिके को देखो, हम छेड़ रहे हैं। अटैक को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। और अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे ऑसिलेटर टू के अंदर हम यूनिसन को इंक्रीज करेंगे और यूनिसन की परसेंटेज को कम कर देंगे। और अब हम फिल्टर वन में जाएंगे और थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसीज को कम कर देंगे। तो हम लोग चाहते थे कि जो हाई फ्रीक्वेंसी है थोड़ी कम हो जाए, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा ब्राइट लग रही है साउंड और इतनी ब्राइट चाहिए नहीं हमें। तो अब हम हमारे एनवेलप वन को कनेक्ट कर देंगे फिल्टर वन के कट ऑफ से। और फिल्टर वन के अंदर हम मेक श्योर करेंगे वो ऑसिलेटर वन और हमारे फिल्टर टू से कनेक्टेड है। तो इसके बाद हम इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे और सबसे पहले हम ऐड करेंगे कंप्रेसर को। मिड बैंड को थोड़ा बूस्ट कर दें, तो अब आप सुनोगे हमारी गिटार की साउंड कुछ ज्यादा ही कंप्रेस हो गया। तो हम मिक्स नॉब को अल्टर करेंगे, उसको कर देते हैं जीरो और हमारे एनवेलप वन को उस पे लिंक कर देते हैं, ताकि जैसे हम नोट को प्रेस करें मिक्स नॉब एकदम से बढ़ जाए और एकदम से फिर फॉल डाउन कर जाए, जैसे एनवेलप वन कर रहा है। तो जो साउंड थी अभी भी काफी पतली लग रही थी और हम चाहते थे थोड़ी थिक साउंड करे, थोड़ी वाइड साउंड करे, तो उसके लिए हमने यूज करा है कोरस। डिले को कर देते हैं 1 को 0, डिले 2 को लगभग बजा देते हैं 11। नंबर सारे याद हैं? एकदम याद है, पूरी स्टडी करके आया। फीडबैक को हम कम रखते हैं। कोरस से ना हमारी साउंड ऐसी हो रही है, बट हम मिक्स नॉब को थोड़ा कम कर देंगे। ये थी ड्राई, ये वेट, बीच का एक स्वीट स्पॉट ढूंढेंगे। और ना एग्जैक्ट आप सेम कॉपी पेस्ट मत करना इस चीज को समझो कि कर क्या रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझो। और इसके बाद हम ऐड करेंगे EQ की और थोड़ी सी साउंड को क्लीन करेंगे। सबसे पहले हम लो कट चूज करते हैं, हल्का सा हाई कट कर लेते हैं। तो रेडी हो चुके हैं हमारा इलेक्ट्रिक गिटार, कैसे लग रहा है? ये क्या बोलते हैं, शोज में ये यूज करने वाला है। बट अभी एक चीज और रह गई है, अब हम ऐड करेंगे गिटार रिग को, जिससे इस पूरी की पूरी साउंड को एकदम से तड़का लग जाएगा। सर्च करते हैं गिटार रिग, क्या लगता है कि पेड प्लगइन है फ्री प्लगइन है? पेड। ये हमने फ्री प्लगइन को पैसे देके खरीदा है। गिटार रिग वाले आ जाएंगे मारने, भाई नेटिव इंस्ट्रूमेंट वाले। गिटार एक बेसिकली क्या करता है, आपकी साउंड को डिस्टॉर्ट करता है, बट इन अ वे जैसे इलेक्ट्रिक गिटार्स को डिस्टॉर्ट करा जाता है। तो आप मल्टीपल एम्प को चूज कर सकते हो और उसमें से जो भी आपको फेवरेट लग रही है उसको अपने गाने में ऐड कर सकते हो।
और इसके बाद हम ऐड करते हैं हल्की सी पिच वेरिएशन, क्योंकि जब भी गिटार्स को एक्चुअल में प्ले करा जाता है तो जब वो एक नोट से दूसरे नोट पे जाते हैं तो वाइब्राटो होता है, पिच बेंड होता है, तो हम पिच बेंड को ऐड करते हैं। तो पिच बेंड को ऐड करने के लिए हम वाइटल के अंदर इस नॉब को ऑटोमेट करने वाले। तो मुझे तो लगा था ये बन नहीं पाएगा, लेकिन उत्कर्ष ने बहुत ही तगड़ा साउंड डिजाइन करा है, तो पर सुन के देखते हैं इसको। गाइस तो भी हो, आप लोग को वीडियो बढ़िया लगी होगी, समझ आया कैसे आप खुद का इलेक्ट्रिक गिटार बना सकते हो। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया, पर एक और चीज करनी होती तभी इलेक्ट्रिक गिटार बढ़िया बनेगा, वो क्या है? तो नीचे होगा लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको ठोक के फटाफट से ग्रे कर दो। तो जल्दी सब्सक्राइब बटन ठोको, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। इसी का अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो या मिक्सिंग मास्टरिंग कराना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट डालोगी basila.in, जाके चेक करो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।